गुड मॉर्निंग सबको, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो अभी मैं उठ ले हूँ और बच्चे सो रहे हैं, जिसे छुट्टी है 2-3 दिन की, और इसके पापा नहा रहे हैं। तो मैं सुबह सुबह पानी वगैरह पी के बुर्स वगैरह करके, तो मैंने सुबह सुबह चढ़ा दिए आलू और प्याज काट लिए और लहसुन छील लिया है। तो मैं लग गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो मैं अभी बना रही हूँ आलू की सब्जी पतले वाले और पूरी, क्योंकि बच्चों की छुट्टी है तो मैं ऐसा खाना बनाती हूँ ताकि वो दिन भर खाते रहें। और क्योंकि बच्चे घर पे रहते तो ज़्यादा भूख रखते, कुछ उनको हटके चाहिए, अलग सा चाहिए। तो मैं अभी बना रही हूँ बिल्कुल कम मिर्ची की आलू की सब्जी और पूरी बना के दे रही हूँ। तो आई होप कि सब ठीक होंगे। तो व्लॉग को पूरा देखना, आज का व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है। तो अभी मैं लग जाती हूँ काम के। तो सबसे पहले मैं सब्जी बना लेती हूँ और टिफ़िन तैयार कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस दिखाऊंगी। आलू उबल रहे हैं और इस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। और मैं एक बात बता दूँ, मैं सब्ज़ी हमेशा टमाटर पीस के डालती हूँ और थोड़ा सा साबुत धनिया डालती हूँ। तो ये टमाटर पीस लिए, इसके अंदर ही मैंने सारा मसाला डाल दिया है और ये लहसुन पीस रखे हैं और ये टमाटर काट रखे हैं। अभी बिल्कुल सिंपल सी सब्जी बनाऊंगी भंडारे जैसी। तो चढ़ा दिया तेल, तो अभी दिखा। तो तेल गरम हो गया है और अभी मैं ये प्याज डाल रही हूँ। तो ये पिसाची के पापा साइड में पूजा कर रहे हैं, तो मैं आवाज़ में उठ करके अभी आवाज़ दे रही हूँ। तो अभी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सब्ज़ी में मैंने प्याज भूंद लिए हैं और टमाटर वगैरह डाल दिए हैं। तो अभी मैं आलू निकाल रही हूँ, क्योंकि आलू गर्म है, वो ठंडे हो गए हैं। तो ये आलू बॉयल हो गए हैं अभी। तो ठंडा होने के बाद आलू मैं छील रही हूँ ये, और आलू छील कर फिर मैं सब्ज़ी में डालूंगी, क्योंकि सुबह सुबह इतना जल्द होती है, मेरे तो ये समझ में नहीं आती जो जॉब करती है वो कैसे एडजस्ट करती होंगी। तो सुबह सुबह इतना काम हो जाए। आटा और नमक डाल दिया इसमें। तो यहाँ पे मैं पूरी में मैं डालती हूँ सूजी, थोड़ी सी सूजी डालूँगी। ये देखो सूजी से क्या है ना, खसकी खसकी बनेगी। और अजवाइन कर्स करते अजवाइन डालते, थोड़ा सा घी डाल दिए, तो घी डाल कर देखो, ये मुट्ठी बंद करके देखो, ये आटा इकट्ठा हो रहा है अभी मेरा। तो ये देखो सब्जी बन गई ना, तरी वाली ये सब्जी बन गई है आलू की। और ये आटा लग गया है, आटा थोड़ा सा कड़ा कड़ा लगाया है, पूरी का कड़ा ही होता है। और ये दूध रखती है इसके पापा के लिए। तो अभी मैं पूरी बना लेती हूँ। तो मैं पूरी बनाती हूँ, तब छोटी छोटी लोई बनाकर इकट्ठी रख देती हूँ। आप भी ऐसे ही करते हैं क्या? प्लीज़ कमेंट करके बताएं। तो लोई बना के रख दिया मैंने और तेल गरम करने के लिए रख दिया है। और अभी मैं क्या करूँ कि मेरे को आदत है कि मैं टिफ़िन में सब्ज़ी बहुत टाइम तक पहले डाल के रख देती हूँ ताकि ठंडी हो जाए। टिफ़िन बंद करते हैं और इसके पापा ठंडी सब्ज़ी खाते हैं, तो मैं इसके पापा को कटोरी में डाल के रख देती हूँ, थोड़ी ठंडी हो जाएगी जब तक पूरी बनेगी। तो अभी टिफ़िन बना देती हूँ और बच्चे अभी तक सो ही रहे हैं। और तो ये मैं सब्ज़ी डाल के रख रही हूँ खाने के लिए और टिफ़िन के लिए। तो अभी मैं फिर बाद में मैं पूरी के लगूँगी। तो गाय सुबह सुबह काम तो हो ही जाए, तो अभी दूध डाल रही हूँ मैं ये इनके नाश्ते के लिए। तो जितनी लोई बना रखी है उतनी मैं पूरी बना के भी रख देती हूँ और फिर फटाफट एकदम मैं निकाल के रख देती हूँ सारी। तो गाय आप भी ऐसे ही करते हैं क्या? कढ़ाई है ना, इसीलिए रख रखा है इसलिए, क्योंकि पूरी में पकौड़ों में कढ़ाई फूक जाए, तो इसलिए जड़ी हुई रखती हूँ। तो इसके पापा को नाश्ता दे देती हूँ और बाकी टिफ़िन के लिए भी बना दी है मैंने पूरी। तो अभी देखो मैं ये जो सूजी डालते हैं ना, तो इसमें बिल्कुल खुश्की खुश्की पूरी बनती है, तो बिल्कुल भी तेल सूख जाती है ये। तो ये देखो बिल्कुल भी तेल नहीं है, जैसे वैसे अगर बिना सूजी की डालते ना तो ये तेल बहुत ज़्यादा बिखरता है इसमें। तो ये देखो मैं सीधा डाल के ले जा रही हूँ प्लेट में, तब भी इसके साथ तेल नहीं चिपकेगा, क्योंकि पता नहीं ये सूजी डालने से बिल्कुल खुश्की खुश्की पूरी बनती है। तो प्लीज़ आप भी मेरी तरह एक बार बना के देखना। तो मैं ये इसके पापा को खाना दे देती हूँ। तो दो टिफ़िन तो मैंने पैक कर दिए हैं, अभी ये मैं गरम गरम पूरी पैक कर देती हूँ ताकि जब 1 बजे खाए तब तक नरम रहे। तो टिफ़िन पैक भी हो गया और इनके खाने के लिए भी दे देता है। तो अभी
मैं टिफ़िन पैक करके इनको दे आती हूँ बाहर। तो टिफ़िन पैक हो गया है गाइज, और ये मैं इनके टिफ़िन जो टिफ़िन के इनकी थैली है वो नहीं ले जाते, इसमें डलवा के ले जाते हैं, तो भी ये यहीं बैठे हैं बाहर। तो मैं कह रही हूँ आज मैं ड्यूटी पर चले जाती हूँ, आप घर रहते हो मेरी जगह। तो बाय गाइज, मैं ड्यूटी जा रही हूँ। तो ये कह रही हैं कि खाना बहुत अच्छा है, और एक जने का खाना डाल दो, 4-5 पूरी और सब्जी। ये मुझे पता नहीं कहाँ किसको देंगे ये, पर डलवा के ले जा रही हैं। तो मैं ये डाल दिया इसमें यूज़ एंड थ्रो वाले टिफ़िन में, तो 4-5 पूरी डाल दी, इसके अंदर ही सब्ज़ी डाल दी है। तो किसी को दे के जाते हुए चलो कोई नहीं दे आएंगे, तो अभी मैं पैक कर देती हूँ और फिर मैं बाकी और काम के लग जाती हूँ। ये ड्यूटी चले जाएंगे अभी, तो मैं ये पैक हो गया। तो प्लीज़ गाइज बताना कि मेरे व्लॉग आपको कैसे लगे, प्लीज़ मुझे खूब सारा सपोर्ट करना, प्यार करना, और ऐसे ही मुझे आगे बढ़ने का मौका दे। तो अभी ये देखो पैक हो गया है, और इन्होंने खाना पीना खा लिया है और तैयार हो लिए हैं। बच्चे अभी तक सोए हुए हैं क्योंकि टाइम नहीं है, ये आजकल जल्दी चले जाते हैं। टाइम हुआ है 7:15 या 7:30। तो ये देखो दोनों टिफ़िन वगैरह पैक करके अभी मैं इनको दे देती हूँ, तो आगे लगती हूँ फिर। तो ये कह रही है लाओ जल्दी से टिफ़िन दे दो, मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैं लेट हो जाऊँगा। और ये वापस आ जाते हैं बाय करने के लिए, क्योंकि रूस रहे हो तब भी मेरे को बाय ज़रूर करके जाते हैं, और ये हाथ ज़रूर मिला के जाते हैं क्योंकि ये मेरे को लकी चाम मानते हैं। और इस चीज़ को मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ मिलाने के लिए, तब मैं हाथ मिलाती हूँ, क्योंकि ये जब बार बार बोलते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। और ये कई बार नोरा काटने के बाद मैं इनको हाथ देती हूँ, तो बाय, गुड लक। तो गाइस गए हैं ड्यूटी वाले, ड्यूटी पर गए हैं, और टाइम हुआ है अभी 7:30, क्योंकि अभी मैं बता रही हूँ ना, रात को 11 बजे 12 बजे आते हैं और जल्दी जाते हैं। तो अभी मैंने बच्चों के लिए, मेरे लिए एक बार खाने के लिए बना के रख दिया, वैसे तो गणी है, एक एक दो दो लेंगे सुबह सुबह। तो बच्चों को मैं सुबह चाहे स्कूल जा रही हो चाहे ना जा रही हो, बच्चों को उठते ही बुर्च वगैरह करेंगे, पहले पानी पिएंगे फिर बुर्च वगैरह करके फिर एक बार नाश्ता जरूर करेंगे। तो देखो इतना आटा बच गया, तो दोपहर में दोबारा बनाऊंगी। और टिफिन में सब्जी निकाल के रख दी और ये पूरी बना के छोड़ दी। तो अभी मैं बना लेती हूँ चाय, क्योंकि आज और जल्दी उठी थी सुबह, तो खाना बनने के बाद मैं गैस साफ जरूर करती हूँ, उसके बाद ही मैं शांति से चाय पीऊंगी। तो मैं एक बार पूरा गैस साफ करूंगी, तो मैं पूरा डीप क्लीन करती हूँ। तो या मेरी हैबिट मानो या फिर मैं मेरे को गलत हैबिट मानो, क्योंकि मुझे बिल्कुल किचन नीट एंड क्लीन चाहिए, और बार बार साफ करती हूँ मैं। और सुबह उठकर भी मैं सबसे पहले किचन साफ करती हूँ, उसके बाद मैं काम शुरू करती हूँ। तो अभी मैं चाय चट बनाऊंगी। ये देखो सूजी डालने के बाद ये बेडमी पूरी जैसी हो जाती है, बेडमी पूरी होती है ना, जो देखो इसमें हल्का हल्का वैसे दिख जाए। ये मोटे वाली सूजी डाली है मैंने, तो ये बेडमी पूरी जैसी दिख। उठ गए के, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चा, चल सुसु करिया, मम्मी चाय बना रही है और दूध गर्म कर रही है आपके लिए। ओके सुसु करके फिर पहना पैंट वेंट। तो कल शाम को चाय ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा कि एक्स्ट्रा पैकेट बेड में रखा होगा। तो सुबह सुबह मैंने सारे ढूंढी, बेड में ढूंढी, एक्स्ट्रा सामान में ढूंढी, लेकिन कहीं भी नहीं मिली। और मैंने चाय चढ़ा दी तो देखी चाय नहीं है। फिर मैं गई नीचे, क्योंकि नीचे बिल्कुल पास में ही दुकान है, तो वहाँ से मैं छोटा सा पैकेट ले कर आई, तब मैं चाय बनाई। तो चाय नहीं मिली, और सुबह सुबह चाय के पीना पी आई। सुबह मैं 5:30 बजे की उठी हुई, अभी देखो 7:30 हो गए हैं। तो इतने देर लंबा अगर खाली पेट रहे तब भी गैस बन जाती है। तो अभी मैं चाय लेके आई हूँ, तो मैं चाय बनाकर और थोड़ा सा नाश्ता करके फिर मैं बाकी काम के लगती हूँ, क्योंकि मेरा गैस बहुत ज्यादा बनती है। तो ये गैस ये उठा के चलती है, तो मेरे सारे कप खराब कर दिया। ये देखो ये फोड़ दिया सुबह पहले, कप फोड़ दिया ना, फोड़ दिया ना सुबह पहले। और ये बहुत साल पहले ले आई, ये छोटी थी ना तब मैं यूज नहीं करती, क्योंकि ये ऐसे उठा के चलती है। देखो दोनों कोप कर दिए खराब, ये नीचे से कर दिया ये देखो, और ये ऊपर से कर दिया। तो सारे तो नहीं होते हैं, तो सारे तो नहीं फूटे बेटा, तो सेट खराब हो जाता है ना फिर, 6 थे वो 4 बच के खराब हो गए भी। ये इससे क्यों करती है ये, कोई खेल
करती। चलो मैं दूध ले रही हूँ, बैठो। टीवी चला दूंगी। चलो एक कप चाय बनती है पूरी। गाइस हमने खाना पीना कर लिया और नहा भी लिया, अब हम पढ़ रहे हैं। और ये देखो नई ड्रेस पहनी है, ड्रेस दिखाओ अपनी खड़ी होके। ये देखो कितनी अच्छी ड्रेस पहनी है, किसने लाके दी थी ये? बुआ जी ने। बहुत सुंदर ड्रेस है भाई, देखो। हाँ तो बच्चों ने नाश्ता पानी कर लिया, नहा लिए और हाँ लिखाई भी सुंदर है। बैठो और मैं अभी राड लगा के और पोचा लगाऊंगी, फिर नहाऊंगी। तो पुणे दो हो गए और खाना खा के इन्हू गई है सो, और साची है ये पढ़ाई कर रही है। साची ने खाना खा लिया। गाइस मैं पढ़ रही हूँ और मैं मेरा खाना बना के लाई, बच्चों को खिला पिला के एक सो गई है, पढ़न बैठ गई है, थोड़ी देर पढ़ेगी। और मैं खाना खा रही हूँ तो मैं देखो दही में बथुआ डाल लाई हूँ क्योंकि प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तेरे पापा कह कर जो लड़ाई का, तेरे प्रोटीन ज़रूरी है तेरे को। और गरम गरम पूरी बना के लाई हूँ और ये आलू की सब्जी है। तो मैं खाना खा बच्चे तो नीचे खेलने गए और मैं फिर से चाय बना लिया हूँ। ये देखो और टाइम हो गया है, 5 बज गए हैं। और ये देखो इसने गर्मी में गर्मी सर्दी में सर्द गर्मी के कपड़े पहने हैं, देखो है ना। बाय करके जाओ। बाय मम्मी। तो खेलने गए एक बार नीचे और मैं अभी उठी हूँ, इनको दूध दे दिया और मैं मेरे लिए चाय बना के लाई हूँ। तो मैं पूजा कर दिया है मैंने, ये देखो। और अभी तो 6:15 हो गए हैं और मैं दो पूजा कर देती हूँ और मैं तुलसी में दिया जलाती हूँ, तो मैं वो जला के आ रही हूँ। तो बाहर चली गई थी, अभी बच्चों के साथ आ गई हूँ वापस। बच्चे नीचे खेल लेते तो इनको साथ। और ये तो देखो मेकअप करने लगी है, ये देखो मेकअप का डब्बा लगा ले रखे अपना, ये मेकअप का डब्बा रखती है। देखो क्या बन रही है। ओ मैं कपड़े चेंज करने गई थी तभी सोचा ये पहन के। तो मैं दो पूजा तो कर दी थी तो मेरे को, मैं बाहर गई तो पता चला कि मंदिर के आगे की आज एकादशी है। तो फिर आने के बाद मैं सोचती हूँ कि आज मैं श्याम जी का भोग लगाऊंगी। तो मैं दो पूजा एक बार तो करके चली जाती हूँ, अभी मैं भोग तैयार करके दोबारा से करूँगी श्याम जी की पूजा या इसके पापा करेंगे। अभी खाने का टाइम होया नहीं है, मैं बच्चों को लेके बैठूंगा। मुँह में नहीं लेते, जल्दी आओ ऊपर। तो बच्चों को भी लेके नहीं बैठते तब तक नहीं पढ़ते हैं ये, जल्दी आओ दोनों। तो अभी खाने का टाइम होया नहीं, बच्चों का वैसे भी छुट्टी है तो थोड़ा सा लेट बना लेंगे। तो 2 घंटे इनको लेके बैठी हूँ, चली गई आजा स्कूल में। हाँ स्कूल में चली गई, अभी छुट्टी के दिन स्कूल में जाना है ना, है डोले बैठो पेपर बोर्ड के लिए जल्दी लिखो। क्या है ये? हाँ लिखो तो जल्दी से। तो गाइस मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ तो नहीं रही तू, गाइस बोलने में क्या आता है, पढ़ रही हूँ। हाँ लिखो X4 X-ray लिखो आगे। हाँ तो ये इन्हू होमवर्क कर बेटा, कर लिया इन्हू होमवर्क कर रही है। और क्या क्या खा लो? तो ये खा रही है गज्जक और मूंगफली, गरीब आदमी का मेवा मिश्री। और मैं तो चना और गुड़ खा रहा हूँ भाई। ये तो भाई बॉडी बनाने चक्कर में रहे, चाहे मैं सवेरे व्लॉग बनाऊं तब भी आप देख लियो खातो मिलेगो। मैं चाहे किसी टाइम वीडियो बनाती हूँ, चाहे एक बात जरूर गाइस आप वो करना, मैं हमारे घर में साची के पापा रहेंगे, मैं वीडियो बनाऊंगी ना, खाली इनको आएगो वीडियो खाने खाने को। गाइस पापा आइटम दिखाएंगे कैसे से खाते हैं पापा, आप देखते रहना। एक कटोरे में चने लेके आओ, तो चने और गुड़ खा रहे हैं ये, 2 गुड़ की बेली लेके आओ। और इन साक्षी खा रही है गज्जक, और ये देख बेचारी मेरी तरह काम कर रही है मेरी बेटी सियाणी को कुछ कौन खा रही। और गज्जक तो सर्दी में गज्जक और मूंगफली खाया करो भाई, मूंगफली तो जरूर खाते हैं ना, बादाम जैसा काम करती है। मम्मा ये भी लिखना है। तो अभी मैं बनाती हूँ चूरमा बना दूंगी।
तो चूरमा खा ली है। तो मैं चूरमा बना रही हूँ और बच्चे तुम तो साची इससे पेट तो इससे ही भर लोगे, मूंगफली और गज्जक से। मूंगफली खाने के बाद भूख तो नहीं लगेगी बेटा, पर चूरमा तो खा ही लोगे। चूरमा देखने के बाद फिर लग जाएगी भूख, तो चूरमा बना लेते हैं भाई। चलो बच्चे को पता नहीं है कि तो लग जाएगी। साची तो बच्चे दोनों चूरमा खा लेंगे। तुड़का खीर नहीं खाते, खीर नहीं खाते, हलवा नहीं खाते, चूरमा खा लेंगे। इन्हें तो खाए थे, खीर क्यों नहीं खाते? इन्हें थोड़ा बहुत खा ले, कभी ज्यादा भूख लग रही है तो। वैसे खीर कहाँ खाए, कौन खा खीर? और वह साची खाए उसकी सेवी खीर। पर खीर नहीं बनाएंगे, रोटी रोटी मोर दूंगी, चूर दूंगी। चूरमा लो बना देती हूँ भैया, खा खा के सो जाइयो, को सब्जी की टेंशन न को। सब्जी धरी है वैसे तो आलू की सुबह वाली, अचार चूर दे। पर ते पापा तो सब चूरमा दूध ले पास ले को नहीं, और मैं तो एडजस्ट कर लूंगी जैसे मिले वो वैसे। तो यहाँ तो भाई गुड़गांव में तो सर्दी नहीं है बिल्कुल भी, और वो दूध गर्म करना रख दिया है, और देखो रोटी चूर ली है, इसमें गुड़ और खांड डाल ली है। तो अभी मैं चूरमा बना रही हूँ। सुन रहे हो क्या श्याम जी का दीवा कर दो, मैं करूंगी मामा जी। पापा को भी बोल दे, दोनों कर ले। तो चूरमा बना रही हूँ मैं। बन गया, बन गया, बस अभी थोड़ी देर है। बन गया क्या जी? बस अभी वो दे दो, वो दे दो, कटोरी कटोरी भोग लगाने खातिर दिन डालू। रुको ये तो जाओ, वो कर दो दीवा कर दो और भोग लगा दो अच्छे से। इनू जय करो पापा, मैं सजाऊंगी भगवान जी के। तो आप चढ़ा दी तो यही रखा है, मैंने चढ़ाया नहीं है, आप बैठे रहो, दीवा करनी पड़ेगी है ना। तो गाय चूरमा बन गया है देखो, यही तो यही बैठे और अब दो चूरमा खाएंगे। और बर्तन बर्तन सारे साफ कर दिए, दही वही जमा दिया है, और इसमें ही खा लेंगे सारे। दूध अपना अलग अलग ले लेंगे सारे, और चूरमा इसमें खा लेंगे। और भाई मैं तो सच बता रही हूँ, एक रोटी दूध के साथ खाऊंगी, थोड़ा सा चूरमा लूंगी, क्योंकि मामा थोड़ा मुझे खिला दो, थोड़ा खिलाओ बेटा, पहले जय कर दो अच्छे से, उसके बाद खाते हैं, पहले नहीं खाते हैं, पहले भगवान के भोग लगाओ, श्याम जी के भोग लगाओ। फिर खाना है ये तो, अपना खाना भी खिलाती है। तो ये देखो बन गया है, काम हो गया सारा, और टाइम ज्यादा नहीं हो रहा है, थोड़ा ही हो रहा है। पानी गर्म कर दिया है, दूध भी गर्म कर लिया है। साची बोतल लेके आना बेटा, बोतलों में पानी डाल दियो, ठंडा हो जाएगा। बताओ भाई कैसा लग रहा है खाना? अच्छा मम्मी, बहुत अच्छा है मम्मी, अच्छा है। तो गाय गुड़ अच्छा नहीं लग रहा? गुड़ तो फेवरेट है आपका। तो गाइस श्याम जी के प्रसाद के ऊपर एक लाइक जरूर करना, और अभी मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग के साथ, चूरमे के साथ करते हैं बाय। तो अभी हम खाना खा लेते हैं और मिलते हैं कल एक और व्लॉग के साथ। तो प्लीज ऐसे ही कमेंट करते रहना, ऐसे ही शेयर करते रहना, और ऐसे ही लाइक करते रहना, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। तो बाय बोल दो सबको, बाय। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गुड नाइट। तो मिलते हैं गाइस कल एक और नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना, बाय, गुड नाइट। तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना, मिलती हूँ कल नेक्स्ट व्लॉग के साथ, बाय।